प्रेसिडेंट का घर है, इनका प्राइवेट आइलैंड भी है, प्राइवेट बीचेस भी है, अपनी जो है शिप्स भी है। गाइज हम अभी अभी माहुशी से यहाँ पहुँचे हैं माले में सिटी टूर के लिए, कि आइलैंड में इन्होंने इतना बड़ा शहर बना रखा है तो क्यों ना इसको विज़िट किया जाए। तो मैं पहुँचा हूँ अभी माले में, यहाँ से हम टैक्सी करेंगे और घूमेंगे पूरा शहर कि यहाँ पर क्या क्या है, क्योंकि आज दोपहर की हमारी फ़्लाइट है। अभी हम जा रहे हैं माले के सिटी टूर पर और हमारे ये गाइड है हमारे साथ। वट इज़ योर नेम ब्रो? एडम। ओके एडम इज़ विद अस एंड हिल Tell us about this city, Male. तो अभी हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हमने सामान रखा है, कुछ लोग यहाँ हैं। ये है फेरी सेंटर जहाँ से हमें फेरी मिलेगी एयरपोर्ट के लिए, और एयरपोर्ट की जो फेरी है वो बहुत ही इकोनॉमिकल है। यहाँ से $1 पर पर्सन लेती है, हर 10 मिनट पर यहाँ से फेरी जाती है। आप अगर माले सिटी में हैं और आपको एयरपोर्ट जाना है तो आप ये फेरी सेंटर पर आकर फेरी को यूज़ कर सकते हैं। आपको टैक्सी के जो ये अमाउंट है बहुत बड़ा बड़ा ये देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ से देखिए, ये पीछे फेरी है, आप यहाँ पर 10-10 मिनट पे फेरी चलती है और फेरी पे $1 पर पर्सन के से आप एयरपोर्ट जा सकते हैं। तो अभी हमारे साथ गाइड है एडम। एडम हमें घुमाने वाले शहर, और ये शहर हम छोटा सा शहर है आइलैंड पे, और हम ये देखेंगे बाई फुट पैरों से जा रहे हैं। ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत है, बट स्टिल अब जब यहाँ आए हैं तो माले देखे बिना जाएँ ऐसा हो नहीं सकता, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। मेरे साथ जा रहे हैं दिया, दीपांजे, अक्षत, संजीव, बबीता। तो गाइस हमारे गाइड एडम ने बताया कि पूरे मालदीव्स में 1199 आइलैंड्स हैं, जिनमें से 200 आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, 150 आइलैंड रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पर होटल्स वगैरह हैं, यहाँ टूरिस्ट आते हैं, और बाकी आइलैंड्स में ये खेती वगैरह करते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो बिज़नेस है, फर्स्ट इज़ टूरिज़्म, सेकेंड इज़ फिशिंग एंड थर्ड इज़ एग्रीकल्चर। और पूरे वर्ल्ड से, इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, सब जगह से ये अपना सामान इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा कोई ऐसा इंडस्ट्रियल वो है नहीं। तो ये हमें घुमाने वाले हैं, सिटी टूर करवाने वाले हैं, और इन्होंने बताया कि 30 मिनट में ये सिटी टूर करवा देंगे। उनका 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है ये गाइडिंग का। 23 शेड्यूल एयरलाइंस हैं यहाँ पर, मतलब 23 जगह से यहाँ पे एयरलाइंस आती हैं, है ना। तो ये देख सकते हैं, ये है हार्बर, ये गोइंग स्ट्रेट। तो ये एक छोटा सा शहर है आइलैंड पे, ऐसा लगता ही नहीं है कि आप आइलैंड पे हैं, आइलैंड सिटी लगता है। तो इनकी लैंग्वेज, कई लैंग्वेज को मिक्स करके फिर बनी हुई है। और ये कोई ऐसा लगता है जैसे आइलैंड नहीं है, कोई अच्छा सा शहर है, सेम वैसे ही फील आ रही है यहाँ पर। ये जो सामने लिखा है पीपल्स मजलिस इज़ अ पार्लियामेंट हाउस, तो यहाँ की पार्लियामेंट है ये पीपल मजलिस। वो सामने पीपल मजलिस लिखा हुआ है, पार्लियामेंट है यहाँ की। देखिए यहाँ पर जो कार्स हैं, एक्वा, CHR, मिनी कूपर, ऑल ब्रांड्स हैं, ऑल मिसुबिशी, ऑडी, मिनी, स्विफ्ट, मार्च, पीपल्स मजलिस, जो पार्लियामेंट है यहाँ की उनको पीपल मजलिस बोलते हैं। तो ये है मालदीव्स की पार्लियामेंट। दिस इज अ मॉस्क, वन स्पेशल पर्सन टू ही इज बरीड हियर, Tom. Okay, this is a tomb, huh? Tomb of Abul Barakat Yusuf al-Barbari. His name is Abul Barakat Yusuf al-Barbari. Who has changed our religion from Buddhism to Muslim. Barakat. Abul Barakat Yusuf al-Barbari. Al-Barbari. He is from Morocco. Morocco. Okay, Morocco से ये बंदा यहाँ आया था। यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे,
और इनको मुस्लिम धर्म में इन्होंने कन्वर्ट करा दी। तो उसकी यहाँ पर टॉम्ब है, ये उसकी कब्र का है 1153 12th सेंचुरी में, ये जो टॉम्ब इज 1000 ईयर बैक। ओके, तो 1000 साल पुरानी ये जो है टॉम्ब है, और इस टॉम्ब का महत्व देखिए कितना ज्यादा है यहाँ पर। बहुत अच्छी बात बताई है इन्होंने इस बारे में। ओके, तो ये इनके जो प्रेसिडेंट है उनका घर है, यहाँ पर इनके प्रेसिडेंट रहते हैं। और ये है यहाँ पर दो तरह के फ्लैग हैं, एक फ्लैग है देश का जिसमें एक मून है, और एक फ्लैग है प्रेसिडेंट का जिसमें मून और स्टार है। ठीक, ये प्रेसिडेंट का घर है, प्रेसिडेंट जो है यहाँ के यहाँ रहते हैं। उस टाइम पे ड्यूटी चेंज हो रही थी तो उन्होंने हमें रोक दिया वीडियो बनाने से, तो अब दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। ये पीछे प्रेसिडेंट का घर है, प्रेसिडेंट के अपने आइलैंड हैं, अपनी बोट्स हैं, गाड़ियाँ हैं। तो ये जो है ये समुंदर से जो कोरल निकाले जाते हैं उनको निकाल के बिना सीमेंट के बस उस पर कलाकारी करके एक के ऊपर एक रखा हुआ है। एज इज, तो ये 800 साल पुरानी कलाकृति है, और देखिए सीमेंट नहीं लगाया हुआ है, सिर्फ कार्व करके कोरल्स को वो एक के ऊपर एक रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो ये लकड़ी लगी हुई है ये कोकोनट की लकड़ी है, और ऊपर आम की लकड़ी यहाँ पर लगी हुई है, और ये बहुत पुरानी एक मॉस्क है, और साथ ही यहाँ पे सीमेंट्री भी है। ओके, अच्छा ये कुएं में से पानी निकालने के लिए ये बनाया हुआ है, टू वॉश हैंड और टू वॉश। नो विदाउट, ये कुआ है जहाँ से पानी निकालते हैं। ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई है कि मौले में जितने भी कुएं हैं सबका जो पानी है वो नमकीन पानी है, लेकिन इस मस्जिद में 3 कुएं ऐसे हैं जिनका पानी नमकीन नहीं, फ्रेश वाटर है। बड़ी कमाल की बात है, और ये बहुत पुरानी मस्जिद है, यहाँ पर सीमेंट्री भी है और कोरल से बनी हुई है मस्जिद है। Okay. These are normal people. Yeah, this crepes also made of white pearls, taken from another. Okay. So this rounded one is for women, other shape is for men. Okay. तो जहाँ पर जो ये राउंड कलर का जो है ये राउंड जो है ये औरतों के लिए है, और जिसमें ऊपर ये थोड़ा मार्क बना हुआ है तीखा है ऊपर से, ये मेल्स के लिए। और इधर जो सीमेंट ये जो सीमेंट्रीज हैं सुल्तान के परिवार की सीमेंट्रीज हैं, और यहाँ पर जो है ये नॉर्मल लोगों की है। तो ये सीमेंट्री है, और ये इसका इसके बारे में जो इन्होंने बताया है एडम ने। दिस इज नेशनल लाइब्रेरी। दिस इज नेशनल लाइब्रेरी, नेशनल आर्ट गैलरी, चाइनीज सेंटर, मालदीव लाइब्रेरी एसोसिएशन। आओ आपको दिखाते हैं सुल्तान पार्क। रे सुल्तान आ जा, ये कोई शो पीस जा रहा है। तो ये हम जा रहे हैं, एंटर हो रहे हैं सुल्तान पार्क में। बड़ा सुंदर सुल्तान पार्क है ये। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल पार्क। फाउंटेन बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही ग्रीनरी वाला पार्क है, बहुत सुंदर है। शायद झूले वगैरह हैं वहाँ, खूबसूरत, खुशबू बहुत अच्छी आती हुई यहाँ पर। बट ब्यूटीफुल फिशेस, बड़ी
बच्चों के खेलने के लिए शायद कुछ बनाया हुआ है, लाइक हमारे यहाँ स्टापू होता है मतलब ऐसे ही कुछ है स्टापू। और यहाँ पर एक और सुंदर सी चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए झूले हैं यहाँ पर। वकील साहब मौका चूक ना जाए कोई सा। The place called Masjid Al-Sultan Muhammad Taqur Khan Al-Azam. The ground floor is Islamic Ministry, Islamic Library, Islamic Conference Hall. And first floor and second floor is for prayer. About 5 to 6,000 people can pray in one time. And it was opened in 1986. Money donated from Islamic countries to build the mosque, especially from Saudi Arabia, Brunei, Malaysia, Indonesia. These are the major countries who have donated money to build the mosque. So it was opened by Maumoon Abdul Gayoom, 1986. That is our 30th president. 30th? 30 years. 30 years. He was as a president, but we call him as a dictator. Dictator? Oh. Yeah, no freedom, no democracy. Yes, no freedom, no democracy. That's why. ये भी सामने देखिए समुंदर की खूबसूरती तो इतनी कही जाए कम है। और यहाँ पे एक पार्क सा बना हुआ है जहाँ पर लोग फोड़ कर गुजर। ओ देखिए शहीद हुसैन एडम बिल्डिंग, तो ये इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है और इतना बड़ा झंडा लगा रखा है। इज द गाय हु वाज अ सिक्योरिटी गार्ड एट नेशनल डिफेंस फॉर सेट पॉइंट आई वाज एटीटी वाज किल्ड हिम। ओके इतने सारे चने के दाने डाले हुए हैं क्योंकि ये सारे कबूतर यहाँ पर दाना चुगने आते हैं। देखिए पूरे पेड़ में कबूतर ही कबूतर हैं, बड़े बड़े हैं, बहुत ही खूबसूरत। तो ये बिल्डिंग है सेंट्रल बैंक की, मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी। तो ये सेंट्रल बैंक है मालदीव्स का। और अब हम जा रहे हैं फ्रूट मार्केट देखने। बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी सुंदर जगह है, माले इज अ गुड प्लेस। यहाँ देखिए ये फिश इज फ्राई, टूना फिश और भी ये काफ़ी कुछ लोकल होंगे। ये फिश मार्केट है, माले का सिटी टूर। और उम्मीद करता हूँ आपको ये टूर बड़ा पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये टूर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को कर देना प्रेस ताकि लेटेस्ट अपडेट मेरे आप तक पहुंचते रहें।